Hi guys, welcome back to my channel Organic Touchup. मैं हूँ मनिका एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू विंटर डे आउट मेकअप लुक. सो गाइज, आज मैं आपको बताऊँगी मैंने ये लुक किस तरह से क्रिएट किया है. जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी. सो मूव ऑन करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब. ऑल्सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दें, नीचे कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा. तो चलिए मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग. आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज अभी विंटर्स है, विंटर्स में फेस बहुत ड्राई होता है, तो इस वजह से सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग करना ज़रूरी होता है. तो आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज, सेकेंड स्टेप इज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन हमें कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये सन की हार्मफुल रेज से हमारे फेस को प्रोटेक्ट करती है. तो सेकेंड स्टेप इज सनस्क्रीन. आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है. आप जो भी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं. अब मैं अपने फेस को प्राइम करने के लिए यूज़ कर लूँगी पतंजलि एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर. प्राइमर हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ये पोर्स को तो टाइटन करता ही है, साथ ही जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही ईजीली फाउंडेशन को ब्लेंड भी कर देता है. आप जो भी प्राइमर यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी इस तरीके से डॉट डॉट करके पूरे फेस एंड नेक पे. हम फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, देन आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लें. ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरह से यूज़ करना है इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है. तो इस तरीके से आपको अपना पूरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करना है. देन बारी आती है कंसीलर की. आपके जहाँ भी डार्क स्पॉट्स या फिर डलनेस या पिगमेंटेशन या ब्राउन स्पॉट्स हैं आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं. मेरे आईज़ के अराउंड काफ़ी डार्कनेस है तो मैं वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर अच्छे से ब्लेंड करना है. लिप्स में मैंने इसलिए अप्लाई किया है ताकि आप जो भी कलर लिपस्टिक लगाएं वो अच्छे से ब्यूटीफुल लगे, इसलिए मैंने लिप्स पे कंसीलर अप्लाई किया है. अब अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें. आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉपर कलर, दिस वन. मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आई शेडो अप्लाई करूँगी. इस तरीके से आपको अप्लाई करना है. आपको इसे अपनी क्रीज लाइन तक ही अप्लाई करना है, उसके ऊपर नहीं लेकर जाना है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिर फैला हुआ लगता है, इसलिए आपको सिर्फ अपनी क्रीज लाइन तक ही अप्लाई करना है. इस तरीके से देन अब मैं कॉर्नर्स को फिल करने के लिए ब्लैक कलर यूज़ करूँगी. इससे थोड़ा स्मोकी लुक आता है. आपको अपने आउटर कॉर्नर पे वी का बनाना है थोड़ा स्मोकी लुक देने के लिए. अब मैं अपने फेस को थोड़ा कॉन्टोर इफेक्ट देने के लिए ये वाला शेड अप्लाई करूँगी. इस तरीके से मैं इसे एज ए ब्लशर नहीं एज ए कॉन्टोर यूज कर रही हूँ. आपको दोनों चीक्स पे इस तरह से अप्लाई करना है. अब मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करूंगी. आप इसे थिक और थिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता हो. अब मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करूंगी. मैं यहाँ पे ब्लू काजल अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक का.
अब मैं अपने आईलैश को कर्ल करूंगी। कर्ल करने के बाद आपको मस्कारा यूज करना है। मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का मस्कारा यूज कर रही हूँ। लिपस्टिक यूज करने से पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप जो भी लिप बम यूज़ करते हैं पहले उसे अपने लिप्स पे अप्लाई कर लें, देन आप लिपस्टिक यूज़ करें। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक, और ये बहुत ही ईजीली क्रिएट हो गया एज यू नो। इसे आप ईजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।